Hi, welcome back to FSA Entertainment. I am at Royal Pets and Zia Persians in Jogeshwari, East Mumbai with Faizan and Zia. Assalamu alaikum, both of you. This video, mein hum sare pet accessories. We are going to display all the pet accessories that you have at your shop. And you have your personal kittens. You have your personal pets, hai, right? Personal pets. Lodging and boarding ke liye aaye hain, apne relative ke. Ji. Theek hai. Waise kaun sa hai ye? Ye classic long hair ke andar doll face ka mail hai ye. खाना नहीं खा रहा आपका? ये क्लासिक लॉन्ग हेयर के अंदर है मेल डॉल फेस का. ओके. और ये जो है ये भी मेल है, ये फ्लैट फेस के अंदर है, टैबी कलर, गोल्डन टैबी कलर. ये 55 डेज का है. ओके. और ये 58 डेज का. 58, 3 दिन का ही फर्क है. 3 दिन का. ठीक है, चलिए खाना क्या खिलाते हो बताएंगे. स्टेजेस में बताना, बिल्ली जब पैदा होती है उसके बाद कितने दिन तक के माँ के दूध पे रहती है, माँ के दूध से छुटाने के बाद क्या तुरंत खिलाना चाहिए, और स्टेज वाइज बड़ी होते होते शुरुआत में. किटन्स जब स्टमक में रहते हैं कैट्स के, 60 डेज का पीरियड रहता है, 60 to 65 डेज का. वो पीरियड के बाद वो बोन्स होते हैं. अब जब बोन्स होते हैं किटन, वो मदर मिल्क पे रहेंगे 40 दिन तक. 40 दिन तक वो मदर मिल्क पे रहते हैं. 40 डेज के बाद आपको धीरे धीरे उसको आपको स्टार्ट करना पड़ता है फीडिंग. आप स्टार्ट में फीडिंग के लिए उसको देते हैं, दे सकते हो वेट पाउचेस. जैसे कि हमारे पास टूना का वेट पाउचेस है अभी अवेलेबल. ये टूना का वेट पाउचेस आप इसको खिला सकते हो, जिसकी MRP 40 रुपीज ईच पैकेट है. ये मियाओ टूना फिश, टूना फिश का फ्लेवर ऑफ टूना. ओके ओके. तो ये आप फीड कर सकते हो 40 डेज के किटन्स को, क्योंकि तो ये ऐसी पैलेट्स हैं? नहीं, इसके अंदर वेट फूड है, जेली है ऐसा. okay. इसका फॉर्मेट इस पर बनाया हुआ है उसने पैकेट के ऊपर, ऐसा फॉर्मेट आप कर सकते हो. कितने का आ जाएगा ये? 40 रुपीज का है. अगर आप इसकी क्वांटिटी में लेते हो, यानी 12 पीस लेते हो, कितना, 3-4 दिन चले? ये हार्डली एक ही दिन चले, एक ही दिन चले, बिकॉज ये एक बार पैकेट आप ओपन कर देते हो तो वो सिर्फ 24 आवर्स तक आप यूज कर सकते हो, उसके बाद वो वेस्टेज है. कितने रुपए का बताया? ये आपको एक पैकेट 40 रुपीज का. डिस्काउंट? ये डिस्काउंट आपको तब आएगा जब 12 पीस आप एक साथ लोगे. कितना डिस्काउंट? ये आपको 12 पीस के ऊपर 10-15% डिस्काउंट. उसके अलावा? उसके अलावा और भी फ्लेवर्स है इसमें, जैसे ये भी वेट फूड में आता है बैलोटा में, एंड सब अलग अलग फ्लेवर्स में. आप न्यूली बॉर्न समझ लो रहते हैं, यानी कि समझ लीजिए 20 डेज 25 डेज 30 डेज, तो उनको ये फूड से स्टार्ट कर सकते हो आप. ओके ओके. और उसके बाद थोड़ा बड़ा हो जाता है, फॉर इंस्टेंस अगर ये इतना बड़ा हो गया, उसके बाद अगर इतना बड़ा होता तो आप उनको ड्राई पे कन्वर्ट कर लीजिए, यानी ड्राई फूड पे. जैसे मियाओ के ड्राई फूड है ये, मियाओ में किटन का ड्राई फूड है. बताओ देखिए ये क्या फायदे हैं इसके खिलाने? इसके फायदे जो है ये अपने हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट कर देता है अपने किटन्स को. हाँ? एंड इसका जो लोगों का स्टमक प्रॉब्लम होता है वो भी इससे कुछ नहीं होता है. डाइजेशन के लिए परफेक्ट फूड है किटन के लिए. ओके. एंड दूसरे फ्लेवर्स भी आते हैं इसमें, एक पर्शियन किटन करके आता है मियाओ में. हाँ? वो इनके हेयर बॉल फॉर्मूले के लिए ज्यादा इफेक्टिव रहता है. ओके. और ये जो फूड है ये इनके हेल्दी करने के लिए रहता है, इनके जो कोट वगैरह रहते हैं वो हेल्दी रहते हैं, इनके जो बोन रहते हैं वो मजबूत रहे, इनका जो यूरिनरी सिस्टम है तो पूरा कवर करता है फूड. एंड दूसरे फूड्स भी आते हैं जैसे विस्कस ब्रांड हो गया एंड अपना प्योर पेट आ गया, बट ये जो फूड है मैं ज्यादा प्रेफर क्यों करता हूँ, क्योंकि ये फूड मैं खुद पर्सनली खिला होता है, इसका रिजल्ट मुझे पता है, और रॉयल कैनिन तो इससे बेटर फूड रहता है. तो वो फूड भी आप प्रेफर कीजिए अपना कैट्स वगैरह के लिए. एंड जब किटन जो अभी मैंने बताया हम लोग के बोर्डिंग के लिए जो किटन है ये, तो उसको जो ये ड्राई फूड हम लोग ज्यादा बेटर करते हैं. okay. अलग अलग भी आते हैं इसमें, देखो ये एक फ्लेवर आता है 400 ग्राम में, ये भी किटन में एक फ्लेवर आता है जो किटन पर्शियन किटन के लिए बहुत ज्यादा बेस्ट है इनके हेयर बॉल के लिए. एंड जो अभी मैंने आपको बताया ओशन फिश किटन वाला, वो इनके हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, और ये जो हेयर बॉल के लिए इफेक्टिव. ओके. ये कितने क्वांटिटी है, कितने रुपए का? ये 400 ग्राम का है, इसका 180 MRP आप लोग को आ जाएगा 165. कितना दिन चल जाएगा ये? आप अगर आपके पास एक किटन है तो ये आपको चलेगा 12 डेज. और वो बड़ा वाला जो आपने बताया था, अगर वो एक किटन है तो वो अप्रोक्स 25 to 27 सवा किलो का था ना वो? 1 किलो 100 ग्राम. इसमें 1.2 kg आता है, बट वो अलग फ्लेवर में आता है. ठीक है. अच्छा, इनमें बिल्लियों के बच्चों में क्या प्रॉब्लम आती है जनरली? बिल्लियों के बच्चों हेल्थ वाइज क्या प्रॉब्लम आती है? हेल्थ वाइज कैसा प्रॉब्लम आता है, अभी आप समझ लीजिए फूड कुछ और खिला रहे थे, फिर आप सडनली उसको दूसरे फूड पे ले लेते हो, यानी समझ लीजिए वो फूड खा रहा था प्योर पेट का, आप उसको डायरेक्टली स्विच कर रहे हो मियाओ के फूड पे, तो ऐसा नहीं होता है, इसी वजह से ज्यादा प्रॉब्लम आता है. इसलिए जो आपका किटन फूड खाता है उसको वो खिलाएंगे तो उसके डाइजेशन के लिए बेस्ट रहता है वो. ओके ओके. और क्या होता है और ये लोग में फूड्स में कैसा प्रॉब्लम आता है? इनमें कोई लूज मोशन वगैरह? इसमें लूज मोशन वगैरह कब आते हैं? जब उनको उनके डाइट से ज्यादा खिला देते हैं, यानी जैसे कि आपको 3-4 times फीड देना है, आप उसको नॉर्मली एक्स्ट्रा में ज्यादा फीड दे रहे हो, या पैलेट्स वगैरह ज्यादा दे रहे हो, यानी इनडाइजेस्टिव वाला फूड दे रहे हो, तो उस वजह से लोगों का लूज मोशन ज्यादा होता है.
और अजिया आपसे पूछना चाहूंगा, इनमें उल्टियाँ भी होती हैं? जी भाई, वॉमिट होती है। तो वो क्या वजह से होती है? वॉमिट जब भाई इनको डाइजेस्ट नहीं होगा ना खाना, तभी ये वॉमिट करेंगे। यानी अगर समझ लीजिए कि वेट फूड आप खिलाते हो 1 स्पून, आप वेट पाउचेस की क्वांटिटी कर दे 2 स्पून एट अ टाइम, यानी अचानक से आप चेंज कर देते हो, तो ज्यादा खाने की वजह से उसको डाइजेस्ट नहीं होगा। तो जब डाइजेस्ट नहीं होगा, ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा, तो वैसे ही वो वॉमिट करके बाहर निकाल देता है। अब जैसे ही वो वॉमिट करेगा तो थोड़ा नर्वस हो जाता है किटन। तो इसलिए बेटर है कि आप जो क्वांटिटी कंटिन्यू रख रहे हो वो अकॉर्डिंग टू डाइट का वो बढ़ा उसकी ग्रोथ के हिसाब से। तो डाइजेशन के लिए क्या देना चाहिए? डाइजेशन के लिए ना भाई हिमालय का सिरप आता है डाइजिटोन, जो कि बहुत बेस्ट है। हिमालय ऐसे वेरी फेमस ब्रांड फॉर डाइजेशन, बकरों में भी वो हिमालय 32-33 करते हैं। इसमें इज वेरी गुड, ये आप कुत्तों, अच्छा डॉग्स एंड कैट दोनों के लिए, अदर एनिमल्स को भी यूज कर सकते हैं। तो इसमें इंस्ट्रक्शंस है कितना क्वांटिटी देना है? इंस्ट्रक्शन पीछे लिखे हुए कैट्स के लिए, डॉग्स के लिए एंड पपी के लिए क्या उसके अंदर क्वांटिटी रखी है। 120 रुपए का है आपसे बॉम्बे के बाहर का जी। कितना मिनिमम ऑर्डर अमाउंट रहना चाहिए? ऑर्डर अमाउंट अगर मुंबई के बाहर है यानी आउट ऑफ मुंबई है तो उसका 2000 रुपीज रहना चाहिए। 2000 का? लेकिन कोई घर में पालता है उसको ये सब ट्रीट वगैरह लेने, तो थोड़ी 2000 का भाई इसलिए रहना चाहिए बिकॉज के उनको उसको ट्रेवलिंग पड़ जाएगी। अब जब ट्रेवलिंग पड़ रही है आउट ऑफ मुंबई की, तो ज्यादा क्वांटिटी में मंगाया तो उसको डिस्काउंट बेटर मिलेगा। तो किलो वाइज जाते हैं ना, फॉर इंस्टेंस हार्डली 1 किलो का कितना कुरियर चार्जेस भी कितना होगा? 40-50 रुपए 1 किलो का। एक्चुअली भाई कुरियर से जब भी पेट्स के लिए किसी को भी लगता है तो वो बहुत अर्जेंटली हम लोगों से रिक्वायरमेंट रखता है। अगर किसी को ऐसा चलेगा को बाय कुरियर, हम लोगों की जो भी डिलीवरी 24 आवर्स के अंदर रहती है कस्टमर को, यानी कस्टमर ने ऑर्डर दिया तो 24 आवर्स के अंदर उसके पास उसका फूड उसकी एसेसरीज हम लोग प्रोवाइड करवा देते हैं। अगर कोई लॉन्ग डिस्टेंस पे रहता है उसको चलेगा टाइमिंग, तो हम लोग बाय कुरियर भिजवा सकते हैं। तो पर केजी 75 रुपीज लगता है। ठीक है, चलिए ये तो पर्शियन कैट का बता रहे हम। बहुत से लोग क्या करते हैं पता है, ज्यादा लोग जो है स्ट्रे कैट्स को घर पे पालते हैं जी, उनको क्या देना चाहिए खाने? स्ट्रेट कैट के लिए ना भाई, स्ट्रे कैट के लिए प्योर पेट का ये फूड है एंड लैंड स्लाइड का फूड है। तो ये कितने का आएगा प्योर पेट का? ये प्योर पेट का फूड भाई इसकी 200 MRP है। 200 रुपए MRP है, 10% डिस्काउंट पे आपको बैग मिलेगा जो की 180 रुपीज का आपको आएगा। जिसके ये 200 रुपए का है, आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। ये कितना एक बिल्ली के लिए कितना चल जाएगा? एक बिल्ली के लिए 1 मंथ चलेगा। तो बेबी है तो ज्यादा चलेगा, एडल्ट है तो फिर 1 मंथ से कम चलेगा। ओके, तो एक ये है प्योर पेट और ये वाला कितने? ये लेट्स बाय है भाई, इसकी MRP है 199। इसमें लिखा है बाय वन गेट वन, यानी आपको लेने का ये बेनिफिट है कि इसकी MRP ज्यादा है लेकिन इसमें कंपनी की ऑफर भी है आपको बाय वन गेट वन। तो वही हो गया ना, आप यहाँ से पकड़ो वहाँ से पकड़ो, वो ज्यादा क्वांटिटी है। हाँ, क्वांटिटी ज्यादा है लेकिन इसके अंदर फ्लेवर्स एंड प्रोटीन ज्यादा है। खिलाओ, अगर आप घर पे भी नहीं रखते हो तो बाहर जाके खिलाओ, इट्स अ वेरी गुड थिंग टू डू। अगर ऐसा स्ट्रीट कैट के लिए चाहिए तो एप्रो का फूड आता है एंड मैकरल मियाओ का, जो 20 kg के बैग्स आते हैं जो कि बहुत सस्ता पड़ता है 20 kg का बैग। तो अभी फिलहाल यही ट्राई करो, अगर खाती है तो बड़ा ले लो, बड़ा का आ जाएगा, बड़ी मिलेगी, उस पर डिस्काउंट आपको हैवी आ जाएगा बड़े के अंदर। यानी इसका 20 kg का बैग की MRP है 4000 समथिंग। जैसे मैं आपको चार्ट बता देता हूँ इसका, ये चार्ट के अंदर सब डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। कहाँ पर है ये लाइन है कैट्स की प्योर पेट के अंदर 20 kg, तो 20 किलो का 2500 रुपया जी, 2500 रुपया उसकी MRP है। उस पर डिस्काउंट हो गया आपको, तो उस पर डिस्काउंट मिल जाएगा। ये प्योर पेट इज फॉर दी स्ट्रे कैट्स? हाँ, स्ट्रे कैट्स जो 2500 रुपए वाला है वो, जो 2500 रुपए वाला। ओके, ठीक है। और नॉर्मल पर्शियन किटन्स वाले है अच्छे फर के लिए कौन सा देना चाहिए? फर के लिए अगर देखते हो प्योर पेट के अंदर तो इसकी कंपनी ब्रांड के अंदर ड्रूल्स आता है एंड सेकेंड लेट्स बाइट आता है। ये दो फूड आते हैं इसके अंदर। पर्शियन का लेट्स बाइट का अभी कंपनी में लॉन्च, तो ये सारा एक ही कंपनी का है, सारी ब्रांड अलग है, सब एक ही कंपनी का है। एबिस, तो हाउ मेनी कंपनीज आर देयर? एक तो विस्कस है, मियाओ है, एनएनडी है, रॉयल कैनन, रॉयल कैनन, बट आई थिंक द मोस्ट प्रीमियम एंड द मोस्ट एक्सपेंसिव वन इज रॉयल कैनन, राइट? व्हाई इज इट सो एक्सपेंसिव, क्यों इतना महंगा है? बिकॉज उसके जो इंग्रेडिएंट्स वगैरह यूज होता है वो अच्छे यानी हैवी क्वालिटीज के होते हैं। अगर उसमें चिकन इंग्रेडिएंट्स है तो उसके पूरा चिकन के क्यूब्स आते हैं। वो कहां का? इंडिया का? ये रॉयल कैनन एक्चुअली वो रॉयल कैनन इंडिया का नहीं है, यूएसए का ब्रांड। ओके, अभी रॉयल कैनन के चैलेंजिंग में फूड के हिसाब से एक नया फूड आया है, बताता हूँ। ये जो फूड है ना एंड अपना रॉयल कैनन एंड एनएनडी को अभी टक्कर में चल रहा है, जो इसके इंग्रेडिएंट्स है वो अच्छे हैं रॉयल कैनन के सामने एंड एनएनडी के सामने भी। इसका जो रिजल्ट है वो किटन से बहुत अच्छा दिखा है मुझे। कितने का है ये? ये जो पैकेट है ये 1 kg का है,
क्योंकि 500 MRP आपको 10% डिस्काउंट पे अवेलेबल मिलेगा, तो आपको 450 रुपए में मिल जाएगा। अच्छा फूड है कीटन के लिए। बड़े बड़ी बिल्लियों के लिए कुछ बताओ। बड़ी बिल्लियों के लिए अपनी बॉडी को तो उनके स्टमक के अंदर इनके हेयर चले जाते हैं और बॉल्स बन के उनको कैसा कंफर्टेबल फील नहीं होता है। तो ये फीड कराने पे आपको विदाउट डिवॉर्मिंग ये ऑटोमेटिकली अंदर से हेयर बॉल उसके रिमूव करेगा एट अ वॉमिट या तो बाथरूम के पोजिशन में। 450 रुपए का आ जाएगा अपने को। नहीं, इसकी MRP 400 है। अच्छा ये 500 नहीं बोला आपने। अच्छा वो दूसरा था, सॉरी, ये कितना है? 400 है और ये आपको 10% डिस्काउंट अवेलेबल है। और भी एड्रेस में फूड आते जो प्रीफर करना चाहिए गेट्स वगैरह। रॉयल कैनन का प्राइस तो बताइए। रॉयल कैनन में आपको है अभी के नहीं है? रॉयल कैनन एक्चुअली कैसा प्रॉब्लम चल रहा है, उसका ऑटो स्टॉक चल रहा है, कंपनी के पास ही नहीं है, बिकॉज कुछ अभी मसले चल रहे पता है आप लोग को, यानी कि लॉकडाउन कोविड से जैसे पैंडेमिक सिचुएशन की वजह से थोड़ा उसका USA में स्टॉक रुका हुआ है। जैसे भी अवेलेबल रहेगा यानी आपको चाहिए रहेगा, आप मुझे कॉन्टैक्ट नंबर आप डिस्प्ले पे करने वाले हो तो वहाँ से आप कॉन्टैक्ट करके कर सकते हो, हम लोग अरेंज करवा के आपको दे सकते हो। ठीक है, और क्या क्या है हमारे पास? हमारे पास विस्केस में है, डॉग फूड्स अवेलेबल है, फूड है, ये डॉग फूड है, डॉग की बेक डिलाइट बिस्किट्स है चिकन फ्लेवर में। ओके, बहुत अच्छे फ्लेवर के अंदर है और वेरी रीजनेबल प्राइस में। ओके, बहुत से लोग स्ट्रीट डॉग्स को भी खिलाते हैं तो उनके लिए बेस्ट है, बहुत बेस्ट है। लेकिन ज्यादा फिलिंग क्या है, यानी ऐसा लोग के भाई फिलिंग हो अभी ये इतना इतना सा क्या? हाँ। अच्छा, यानी पेट भर के खिलाए, फिलिंग करने तो के लिए क्या? भाई उनको ये फूड खिलाना बेटर रहेगा। पेडिग्री का हाँ। कितने का आ जाएगा? जैसा रॉयल कैनन कैट्स के अंदर फेमस में चलता है वैसे पेडिग्री अपने जगह पे बहुत अच्छा नाम बना है। पेडिग्री का ये 1 kg का जाएगा। जैसे जैसे इसकी क्वांटिटी आप बढ़ाओगे वैसे वैसे इसका रेट कंपनी की तरफ से रिड्यूस होते हैं MRP के ऊपर। 1 kg का बैग है जिसकी MRP है 290 रुपीज ओनली। अब इसके ऊपर आपको 10% डिस्काउंट होगा 290 रुपीज के ऊपर, 15% भी आपको डिस्काउंट मिल सकता है अगर आपकी क्वांटिटी ज्यादा हो पेडिग्री के अंदर। ठीक है, पेडिग्री के अंदर अलग अलग फ्लेवर्स है हमारे पास अवेलेबल अभी, क्योंकि मार्केट में भी अवेलेबल है डॉग्स का एंड रूल्स के अंदर भी बहुत सारे फ्लेवर्स अवेलेबल है जो कि अभी मेरी शॉप पे यहाँ रखा नहीं गया बिकॉज डिस्प्ले मेरा कर नहीं पाया मैं उसको, लेकिन आपको प्रोवाइड कर आपका जो भी फूड चाहिए आप हमें फोटो पे वोट अप कर सकते हो, हम लोग आपको पिंग करने के बाद आपको अपडेट करके भिजवा देंगे। ओके ओके, हमारे पास ट्रीट्स भी है। वी वर जस्ट गिविंग वन यहाँ पे रखा था आपने कहाँ पे? क्रीमी ट्रीट्स। ये अगर आपको बिल्लियों को ट्रेन करना है तो आई थिंक दीज आर द बेस्ट। ये कितने का आ जाएगा? ये मियाँ का क्रीमी ट्रीट है, इसमें 4 sticks रहती है, 90 rupees इसकी MRP है। okay. जो कि आपको डिस्काउंट करके 80 rupees में आएगी। okay. और ये वन होता है लेकिन 80 rupees में हमारी तरफ से आएगा। एक बार में एक खत्म हो जाता है, एक बार में एक खत्म होता है, लेकिन आपको वन टाइम हाफ ही खिलाना है सेकंड टाइम में। हाँ ठीक है। व्हाट आई आल्सो लाइक दिस, यहाँ पर ये जो रखा हुआ है ये व्हाट एग्जैक्टली इज दिस? ऐसे इनके खेलने कूदने के लिए, ये कैट ट्री है, इनके आराम करने के लिए प्लेइंग कर सकते हैं। इस पे स्क्रैच बोर्ड लगा हुआ है जैसे आप देख सकते हो, ये एरिया पे यहाँ स्क्रैच बोर्ड लगा इनके नेल्स वगैरह के लिए। इसमें फ्लोर्स आते हैं ये जो कि हम लोगों ने खोल के रखे, ये भी आप लगाया था ना? जी आपने ये टोटली फोल्डेबल है, आप इसको लगा सकते हो कहीं पे भी टोटली। तो एक पेडेस्टल जैसा बना दिया इन्होंने, ऐसा ये यहाँ पे एक हिस्सा दिया हुआ है, दूसरा वहाँ पे दिया हुआ है। ओके ओके, वेरी नाइस एंड आई लाइक योर लोगो जो आपने बनाया। ठीक है, इसके अलावा इनके पास और क्या क्या है? पूरी दुकान भरी हुई है पेट एक्सेसरी से। अभी मैं करने जाऊँ तो सुबह हो जाएगी, एक एक आइटम कवर करने जाऊँ तो पेट कैरी बैग। कैरी बैग है, ये बहुत ही परफेक्ट रहता है कैरी करने के लिए, जो कि आप देख सकते हो हम इसे इजीली पहन सकते हैं, जैसा कि लाइक स्कूल बैग पहन के आप घूम सकते हो। उसका साइज भी कॉम्पैक्ट है और इसके अंदर कंफर्टेबल कैट बैग। कितने का आ जाएगा? इसकी MRP 2700 रुपए, लेकिन आपको डिस्काउंट करके ओनली 1000 रुपीज में आएगा। कितन रहेगी ये कैट रहेगी इसके अंदर? इसके अंदर एक सेमी एडल्ट कैट रह सकती है, अगर उसका वेट 5 kg क्रॉस है तो वो नहीं रह पाएगी, 5 kg तक उसका बॉडी वेट एक्सेप्ट कर सकते हैं इसके अंदर। ये क्या है जी? ये उसका लीटर बॉक्स है, लीटर बॉक्स। अच्छा, लीटर बॉक्स है, लीटर बॉक्स है, इनका विद स्कूपर है ये लीटर, यानी उनको अगर अगर आपके पास भैया बाथरूम में नहीं जा रही है तो ये कर लो, उसको ट्रेन कर सकते हो, बेटर है। एंड उसका सैंड्स वगैरह भी है, लीटर का सैंड है, अच्छी क्वालिटी का है, जो बात बात नहीं मारे वो वाला। 24/7 परफॉर्मेंस दिया हुआ है। ओके, रोल्स का गैप लीटर है ये 5 kg का बैग है। तो एक समय कितना डालना पड़ता है हमें? पूरा पलटो, हाफ बैग, हाफ बैग आपको कितना लेयर करना रहेगा आपको? आप कैसा रहेगा, आप जब इसके अंदर एक समय का आप भरोगे, इसमें बेंटोनेट सैंड है, आपको एक लेयर बनाना है। जैसे वो एक लेयर आप बनाते हैं, जब भी वो पॉटी करता है आपको उसके अंदर सिर्फ नॉर्मली स्कूपर लेना है, ऐसा ऐसा पोट करके उठा के खाली पॉटी को फेंक देना, सिर्फ पॉटी सैंड कम नहीं होगा। और वो सब जगह नहीं करता है बेसिकली, है ना? देखा वो एक ही पर्टिकुलर जगह करता है, व्हाट दे डू इज वो लोग कवर कर डालते हैं उसको, फिर आप वही करके चले आएगा, आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सैंड का ये बेनिफिट है आपको। ठीक है,
तो ये वैसा दिखेगा जो छोटे छोटे दिखेगा। इसमें दर्शन हो गए उसके, इसमें दर्शन हो चुके हैं लेकिन अभी ये क्लीन है। ठीक है, ये ऐसा बेंटोनाइट है। इसमें अगर मैं आपको एक लिक्विड डाल के दिखा सकता हूँ ये कैसा क्लब करता है। जैसे कि हम इसके अंदर डाल देते हैं थोड़ा सा बॉटल, एक दो सेकंड के लिए अपने लोग इसको छोड़ते हैं। तो ये एकदम प्लंबिंग करते रहेगा वो अपने क्ले की तरह मैग्नेट की तरह उसको चिपकते जाएगा। जैसे वो अगर उसने कैट ने आपका नहीं करके गया उसके ऊपर, तो आपको थोड़ा सा ऊपर डालना है। ठीक है, क्लीन प्रॉपरली इजी टू। आपका ज्यादा क्वांटिटी वेस्ट नहीं होता है, हल्का फूड का जो छिटक जाता है वही हो जाता है। ठीक है, अब देखिए कैसा हो। तो वो कितने का बैग था वैसे? ये बैग बैग के एमआरपी 5 केजी की 500 लाइव डेमो देने वाला है। चलो लेट्स सी द लाइव डेमो, बिकॉज़ दे हैव नो ऑप्शन ना। अभी आप दुकान पे रखते हो तो नहीं, बहुत सारे लोग घर में भी कैट लिटर यूज ही करते हैं, बिकॉज किसी को चाहिए नहीं कि कैट बाथरूम में जाए और अपने पाउस को गंदा करे, पूरे घर के अंदर आके वो गंदगी। बहुत से मर्तबा ऐसा होता है जिसके पास इंग्लिश वेस्टर्न कोमोड है तो उसमें थोड़ा दिक्कत होता है। वेस्टर्न कोमोड पे ट्रेन होता है क्या? वेस्टर्न कोमोड में बहुत कम कैट्स ट्रेन हो पाती थी, बिकॉज वो जो हाँ पिसल के अंदर चले जाती है, तो उसकी वजह से बहुत कम कैट्स ऊपर जाती है, उनको नहीं हो पाता कंफर्टेबल उसके अंदर। ओके, वो बॉक्स कितने का अपना है? कितने का आएगा? लीटर का क्या बोलते हैं? लीटर सैंड, लीटर सैंड। डिस्काउंट नहीं है इसके अंदर? इसमें डिस्काउंट मिल जाएगा आपको 20% डिस्काउंट। 20%? ये कितना? 500 की इसकी एमआरपी है, 20% डिस्काउंट हो गया आपको 400 रुपीज का। कितना किलो आएगा ये? 5 केजी। और एक समय डालना है 2.5 किलो? एक और कितना कितना 3-4 दिन? ये 2.5 किलो आपको कम से कम 1 वीक चलेगा। 1 वीक चल जाएगा, 1 वीक के अंदर वो पूरा खत्म नहीं होगा, उसके बाद आपको थोड़ा सा फिल करना पड़ेगा उसमें जितना आप निकालोगे बस, ज्यादा नहीं। और ये वाला? ये वाला 4 केजी का बैग है, ये अलग ब्रांड का है, बेंटोनाइट सैंड का, कैरी पैड का। ये आपको डिस्काउंट होके आ जाएगा 320 रुपीज का। इसका कोई एमआरपी नहीं है लेकिन ये हमारे पास अभी अवेलेबल है, तो आपको ये डिस्काउंट पे बेस्ट डिस्काउंट मिल जाएगा। ओके, इसके अंदर फ्लेवर्स आया था कॉफी, लेवेंडर एंड अदर फ्लेवर जो कि अवेलेबल है हमारे पास 8 केजी तक का। ठीक है, और क्या था हमारे पास? जो टिक रिमूवल वगैरह था ना, हमारे पास शैम्पू वगैरह, शैम्पू है अच्छा, मेडिसिन का बहुत अच्छा, हिमालय का, ये सब आप देख सकते हो। ये सब शैम्पू है इनके, डॉग्स एंड कैट्स के, जो कि एक्सक्यूज मी फ्लीज है, एक्सक्यूज मी फ्लीज है, जो कि इनके फ्लीज के लिए यूज किया जाता है। ये फ्लीस को आप है उसके लिए, फ्लीस के लिए यूज, शाइनी मिया हुआ है जो कि इनके हेयर कोड के लिए यूज करा जाता है। ठीक है, फ्लीस याने वो मक्खी जैसी हो जाती है। हाँ, फ्लीस वगैरह मतलब जू वगैरह भाई। ओके, बॉडी में इनको हाँ क्या कैसे इनकी फ्लीस अलग होती है, कैसे होता है जम करके फ्लीस, मतलब कोई किसी और पेट से जम करके आई हो जू, वो इसके अंदर आप इफेक्टफुल होगा जो एक्सक्यूज मी फ्लीज है। ये सेकेंड है शाइनी मिया, ये शाइनी मियाओ के अंदर इसका कैसे बड़ा बताओ ना, इतना छोटा छोटा है तो बहुत कम समय से चलेगा। वो ट्रायल पैक है भाई। अच्छा, ट्रायल पैक। हाँ, ट्रायल पैक है, यानी आप पहले ट्रायल कर सकते हो, देन उसके बाद आप इसकी परचेज भी कर सकते हो। कितने का है ये? ये ट्रायल पैक 100 रुपीज का, 100 रुपए का। हाँ, कितने बात चल जाएगा ये? आपको 2 बात चलेगा, 2 बात चल बस, 2 बात चलेगा। महंगा है इसका तो खाना जी। और ये वाला, ये बड़ा पीस है उसके अंदर जो मैंने आपको शाइनी मियाओ बताया, ये कैसे जब कैट्स का बहुत ज्यादा डर्टी हो जाती है तो उसकी फर क्वालिटी शाइनिंग खत्म हो जाती है। जब आप ये यूज करोगे तो ऐसा लगेगा उसकी बॉडी पर आप ऑयल लगाया और सीरम लगा के रखे, कितना शाइनिंग करेगा वो उसका। इसका एमआरपी आप देख सकते हो 550 रुपीज एमआरपी है इसका, इस पे आपको 25% डिस्काउंट मिल रहा है। यार बिल्लियों का तो इंसानों से महंगा है शैम्पू कंडीशनर जो हो गया। इनकी स्किन ना सेंसिटिव होती है, इनके ऊपर एक नॉर्मल शैम्पू से हेड एंड शोल्डर वगैरह कुछ भी आप यूज करते हैं इन्फेक्शन हो जाते हैं। तो ये इंटरनेशनल ब्रांड है इसलिए महंगा है, इंडियन ही है सारे। इसके अंदर जो अपने जो प्रोटीन्स वगैरह मिले ना शैम्पू के अंदर, वो उस विटामिन की वजह से इसका रेट इतना है। तो कोई सस्ता वाला नहीं है, आई मीन नॉट एवरीबॉडी कैन अफोर्ड 500 रुपए का ना। ये ओनली 90 रुपीज का है, जिसमें का बड़ा आपको आ जाएगा 150 रुपीज। लोजेलो। ओके, ये भी बहुत अच्छी कंपनी है लेकिन ये अभी कंपनी लॉन्च हुई है, जिसकी वजह से ये बहुत सस्ते में अपनी चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं। ये छोटा वाला 90 रुपए का, बड़ा वाले की एमआरपी 180 रुपीज है। जो की आपको डिस्काउंट है, ये आपको कम से कम 10 से 15 बार रिटर्न के लिए चलेगा। तो पैडल गार्ड को हाँ नाइस, बहुत अच्छा अफोर्डेबल है। इससे बड़ा साइज लोगे तो और अच्छा पड़ेगा। और भी है इससे बड़ा? इसमें इससे बड़ा भी अवेलेबल है और इससे परफ्यूम भी अवेलेबल है। ठीक है, ये क्या जो मिल्क वगैरह लिखा है एग्जैक्टली सर? ये मिल्क जो है ये डॉग्स के लिए है एक्चुअली। कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे पपीज लोगों को मिल जाते हैं स्ट्रीट वगैरह पे, या तो उनके डॉग्स जो होते हैं मिल्क फीड करा नहीं पाते। अब बेसिकली क्या, डॉक्टर सजेशन करता है कि 30 डेज के बाद सारे डॉग्स को सेल्फ फीड पे, यानी सेल्फ मिल्क फीडिंग पे लो, क्योंकि बिकॉज उसकी जो मदर वरना लूज हो जाएगी, डॉग इतना फीडिंग करते हैं। okay. तो वो टाइम पे आप ये मिल्क उसको डॉग्स को दे सकते हो। ओके, तो ये डॉग के लिए बहुत बेस्ट है ये, आप 4 वीक्स के बाद, सॉरी 2 वीक्स के बाद कभी भी डॉग्स को पिला सकते हो। बर्ड फूड भी हमारे पास, बर्ड फूड भी है, ये कोकाटेल का फूड है जो कि
इम्पोर्टेड है इंडिया के अंदर, इसके अंदर ऐसे ऐसे शीट्स मिले हुए हैं, रूल्स के अंदर ऐसे ऐसे शीट्स मिले हुए हैं जो आपको कहीं नहीं मिलेगी। कितने किलो का ये 1 kg का पैकेट है, ये जो डब्बी है इसकी 1 kg की है, जो कि आपको डिस्काउंट होके आ जाएगा 1 kg का। इस पे भी आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा, 449 की MRP है। करीना कपूर प्रमोटिंग जो हाँ करीना, ठीक है। ये मिल्क है कैट का, बजीज की भी है जी, ये बजीज का है, इसकी MRP कम है, ये भी 1 kg का ही है, लेकिन इसके MRP आपको 349 इसकी MRP है। इस पे भी आपको 20% डिस्काउंट मिल जाएगा। ओके हाँ, ये जो है ये कैट मिल्क है, इसके अंदर ये बेनिफिट है कि 0 days से किडन को आप पिला सकते हैं। बहुत सारी कैट्स का क्या होता है कि वो बच्चे जब देते रहती है तो बोन करते रहे वो मर जाती है। अच्छा, तो वो टाइम पे कोई मिल्क ऐसा नहीं मिलता जो 0 days पे स्टार्ट कर सकते। ये रूल्स ने स्पेशली इसलिए बनाई है ताकि फीड करना पड़ेगा, इसके अंदर बॉटल आपको मिल जाएगी। ओके, हर बॉटल यानी हर पैक के अंदर आपको बॉटल मिल जाएगी इसकी। और इनको भी निपल विपल जैसा बॉटल दे देना, बॉटल वगैरह मिल्क बॉटल रहेगी इसकी, वो आप इनको पिला सकते हो। ओपन हुआ पीस है, ये ऐसी बॉटल जिसके अंदर आएगी, ये बॉटल के अंदर एक्स्ट्रा निपल देता है साइज के हिसाब से। ओके, अकॉर्डिंग टू एज जैसे जैसे वो बढ़ते जाएगा वैसे वैसे इसके निपल चेंज होते आएंगे। जैसे आप देख रहे हो इसके अंदर पतला सबसे सबसे फर्स्ट एज के लिए ये निपल दिया गया है छोटा वाला। ये निपल के बाद सेकेंड एज जैसी वो 20 days का हो जाएगा तब ये निपल पे उसको लेके आना है। एंड थर्ड जैसे थोड़ा बड़ा हो जाता है आप अपना नॉर्मली इसको फिट दे सकते हो। ये देखो ये वाले निपल से, लेकिन ये बेसिकली डॉग के लिए होता है, कैट इतना मोटा निपल यूज नहीं करती है। ये आपको दिया अभी अभी निपल। आपने ये भी बताया था भाई इनका नेल काटने का ग्रूमिंग के लिए, ग्रूमिंग के लिए कॉम है, नेल कटर वगैरह है। ग्रूमिंग के लिए भाई ये कॉम्स है, ये वुडन फिनिश के अंदर स्टील कॉम है, ये नॉट्स के लिए बहुत स्पेशल काम आती है। नॉट्स यानी गांठ जो नॉट्स वगैरह गांठे जो होती है ना बालों में गुच्छा हो जाता है। हाँ। तो वो टाइम पे क्या होता है बहुत सारी अगर आप नॉर्मल कॉम यूज करने आते हो तो लोग की चमड़ी छिल जाती है, स्किन उन लोगों की डैमेज हो जाती है। तो उस टाइम पे अगर ये यूज करोगे तो ऐसा आपको लगेगा फील होगा जैसे आपने कोई कटर यूज कर दियो, कोई हार्म नहीं होगा, इजीली वो उनको नॉट्स को रिमूव कर देगी। ये आपको डिस्काउंट 200 की MRP डिस्काउंट होकर 160 rupees का है। ओके, और ये बड़ा वाला जो ये बड़ा वाला स्टील कॉम है जैसा जैसा आपको जैसा मैंने बताया ये वैसी है। ये बड़ा वाला ब्रश है, इसके अंदर ऑप्शंस दिए हुए हेयर रिमूव करने के। ये टोटली उसकी डॉग्स के और कैट के बॉडी पे आप यूज कर सकते हो। यूज करने बाद इसके अंदर बटन दिया गया है, ये बटन को आप जैसे ही प्रेस करोगे ये पूरा ऐसा हेयर आगे से आपको पूरे मिल जाएंगे टोटल हेयर। आप दिस वन आपको ये डिस्काउंट करके आएगा 250 rupees का, 250 rupees का जी। और वो नेल कटिंग के लिए ये एनीथिंग इज दिस अ क्लिपर, क्लिपर इज अ क्लिपर, ये क्लिपर है नेल क्लिपर। इसके अंदर आप पेट सीजर, इसके अंदर आपको कैसा करना है यहाँ पे एक एरिया दिया गया, होल दिया गया है, जैसे आप कैट के पकड़ते हो पाउस को इसमें आपको उसके नेल अटैच करना है एंड देन प्रेसिंग। बाप रे, तो कट जाए भाई। नहीं एक्चुअली कैसा है कि जो कर्व होता है ना नेल का, जो स्टार्टिंग कर्व होता है वहाँ पे ब्लड नहीं होता है और वो ही यहाँ पे अटकेगा, उससे ज्यादा आपको अटकाना नहीं है, ज्यादा डीप तक के नहीं काटना, ज्यादा डीप तक नहीं काटना। ये भी एक कटर आता है जिसके अंदर आप थोड़ा प्रिकॉशन रख सकते हो, क्योंकि ये अपने हाथ से अपना मालूम पड़ जाता है उसके नेल कितने अंदर गए। तो ये आप इजीली यूज कर सकते हो, इसके अंदर लॉक भी दिया हुआ है कि आपको यूज नहीं करना है, लॉक करके रख सकते हो ताकि किसी को हार्म नहीं। इनका नेल क्लिपर, बट प्लीज वॉच ट्यूटोरियल ऑन YouTube समवेयर, क्योंकि अगर आप ज्यादा काट लोगे तो नेल इज ऑलरेडी ट्रिम सो वी कैन नॉट शो कि कैसे करना है। और ये जो आप जो कैट लिटर दे रहे हो डब्बे के साथ वो भी आता है, बहुत सारे डब्बों के साथ आता है स्कूपर। Scooper. तो स्कूपर्स के लिए हम लोगों के पास ये सब स्कूपर्स अवेलेबल है, एक ये स्कूपर्स अवेलेबल है जो कि स्मॉल है और जो कि बहुत सस्ता है, ये 70 rupees का ओनली, 70 rupees अच्छा 70 है, बहुत सस्ता है भाई वो, क्योंकि ये स्कूपर का जो स्टार्टिंग प्राइस हम लोगों के पास में ये देखिए ये सब है, वो ये मग स्कूपर है जल्दी में, ये जो चीज है अल्टरनेटिव भी यूज कर सकते हैं। हां अल्टरनेटिव भी यूज कर सकते हैं, वो तो है। एंड ये आपको आ जाएगा भाई 130 rupees का। okay. ये मग स्कूपर है, बहुत कम लोगों को मालूम है मग में भी स्कूप आप यू कर सकते हो लिटर। तो ये मग स्कूपर है, बहुत से लोगों को ऐसा डर्टी लगता है कि पॉटी उठाता है माई साइड से गिर जाएगा या उस साइड से गिर जाएगा। I've seen some people, तो इसमें परफेक्टली यहाँ पे ऐसा होल दिया हुआ है आपको मग के अंदर, जैसे आप ये करते हो ये ट्रे आप जैसे मग के अंदर करते हो टोटली साइड अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। कितने का ये बोले 130 rupees 130 rupees का, ठीक है। और क्या है हमारे पास कैट्स के लिए, कुछ पहनने के लिए, क्योंकि मैं देखा हूँ बहुत से लोग कैट्स को यू नो दे लाइक कुछ पहनाते हैं। अगर कैट्स को वॉकिंग के लिए आपको लेके आना है तो ये हार्नेस है भाई उनके लिए, हार्नेस। हाँ हार्नेस, अगर वॉकिंग के लिए आप बाहर लेके जाना चाहते हो या कैट्स हार्नेस से कंट्रोल में रहती है, कंट्रोल में रहती है। अगर अकॉर्डिंग टू कॉलर देखा जाए तो बहुत कंट्रोल में रहती है, क्योंकि नेक पे प्रेशर नहीं आता है तो इजिली घूमती है, आपको इसकी हैबिट डालनी पड़ेगी। हालांकि ये सब कितना लंबा है, कितना मीटर है इसकी जो लीस है भाई, बहुत अच्छा साइज है इसका, एक नॉर्मल कॉलर का जो साइज होता है उस हिसाब से दिखा देता हूँ आपको। इसकी साइज
मेरे ख्याल से हार्डली आधा मीटर, कितना मीटर, ये एक मीटर होगा, एक मीटर होगा, एक मीटर होगा। ओके ओके ओके, ये आप समझ लीजिए कैट्स है, इतना ज्यादा ये बहुत हो जाता है, तो ज्यादा दूर नहीं जा सकती है। ये ना साइज है, इससे ज्यादा तो दूर जाएगी भी नहीं। कितने का आ जाएगा ये? ये आपको डिस्काउंट होके आएगा 220 रुपीस से, 220 रुपीस, 220 रुपए का, ठीक है। व्हाट एल्स डू वी हैव, वी मिस्ड आउट एनीथिंग? ये सब ट्रीट्स है भाई कैट्स की, डॉग्स की, डॉग्स के लिए भी भाई कैसा होता है, जब डॉग्स बोन्स होते हैं, बोन होते हैं, उसके बाद वो चॉमिंग करना चालू करते हैं, उनकी हैबिट होती है, वो कभी वुडन चपाए चबाएंगे, कभी आप ये क्लॉथ चबाएंगे, कभी सब कुछ अदर आइटम चबा दे रहे, तो ये उनके लिए बोन की चॉमिंग के लिए ही आता है, टॉय चॉमिंग टॉय, जो कि बोन आता है जिसके अंदर, हाँ चूइंग के लिए, उनकी जो टीथ आते हैं न्यू, तो टीथ जो ग्रोन होते हैं वो ग्रोन करने के लिए अपने परफेक्ट एक ग्रुप, क्योंकि बिकॉज अगर आप ये तो मुंह में या तो सत्यानाश चीज खराब हो जाएगी, नहीं ये सत्यानाश नहीं है भाई, ये यूजेंथ्रो नहीं, आप इसको कंटिन्यूसली दे सकते हो, यूजेंथ्रो के अंदर ये सब लोग स्टिक्स आती है, यानी कैसा ये खा लेते, ये खा भी जाए तो उनको कोई हार्म नहीं करेगा, किस चीज़ का बना हुआ? ये कैल्शियम का बना हुआ, यानी बोन है, रियल बोन है, ये रियल बोन है कैल्शियम के साथ, ये भाई डिस्काउंट, इसके एमआरपी जो है 110 की है, इस पे आपको 20% डिस्काउंट हो गया है, और ये वाला जो बताता है, ये वाला जो है ये ओनली 30 रुपीज का है, 40 रुपीज एमआरपी, 30 रुपीज का, इसमें सिंगल बोन्स भी आती है जो कि रियल बोन्स है, ये आप खिलाने के लिए यूज कर सकते हो, इसका साइज अच्छा खासा है, आप देख सकते हो, इसमें को विदाउट एनी फ्लेवर ऐड करा हुआ है, नेचुरल बोन है ये, okay. आप यानी दोगे कोई हार्म भी नहीं आपके डॉग को, और ये जो यूज एंड थ्रो नहीं हो टोटली, वो कम्प्लीटली इसको खा सकता है, हल्का सा डर्टी हुआ तो आप इसको वॉश करके दे सकते हो अपनी कैट को। ओके ओके, और क्या है हमारे, एक लास्ट वो जो कैरी बैग था वो हमने दो बता दी ना, एक ये बता दिए, डिलीवरी शो दिया था, ये तो कैरी बैग जो हो गया, वो किसके लिए, जो सॉफ्ट सा जो है, वो सॉफ्ट जो है भाई, वो अपना इसके लिए बैड है, दैट इज फॉर व्हाट, फॉर डॉग्स एंड कैट्स, हां डॉग्स एंड कैट बोथ। ये कितने का आ जाएगा फिलहाल? ये 1300 रुपए का आएगा, 1300 रुपए का आएगा, अगर आपको ये डोमेस्टिक जा रहा है, ये 10 इंच इसकी चौड़ाई है और लंबाई कितनी? 18 इंच है। कैट आ जाएगी? कैट आराम से, कैट कितना आ जाएगी? ठीक है, दिस इज नाइस। ये कितने का आ जाएगा? ये बेड आपको आ जाएगा ओनली 500 रुपीज, दिस इज कैट बेड, कैट बेड 500 रुपीज। आई लाइक द बिगर वन, वेयर डिड यू कीप दिस? दिस इज वेरी नाइस, लाइक टू कैट्स कैन इजीली स्टे, आराम से रह सकते, इसमें कोई कैट अपनी बेबीज के साथ भी रह सकती है, जो कि बहुत सॉफ्ट है एंड वॉशेबल है, ये आप निकाल के पूरा वॉश कर सकते हो, एंड इसके नीचे बैक साइड पे ऐसा मैट्रेस दिया हुआ ताकि ये नीचे से खराब ना हो। और ये कितने का आ जाएगा? ये आपको 600 का आएगा, 600 एक्चुअली क्वालिटी डिफरेंस, बिकॉज जब आप फील करोगे सामने आके तो आप समझ जाओगे इसकी क्वालिटी में, इसी एक्चुअली अभी इसका प्राइस जो है हैवी डिस्काउंट में चल रहा है, इसलिए ये सस्ता है, मेन रीजन ये हैवी डिस्काउंट में अभी हम लोग इसको प्रोवाइड कर रहे हैं, अभी लिमिटेड पीसेस हमारे पास बचे हुए, अगर आप ऑर्डर करोगे जल्द से तो आपको ये 600 मिल जाएगा। और ये कितने का था, मैं भूल गया इसका प्राइस, ये 130 जो घर नहीं जो घर बना हुआ घर, ये हाउस का एमआरपी 12,000 है भाई, 12,000 ये सेकंड फ्लोर, इसके अंदर 2 फ्लोर्स होते हैं, मैंने खोल के रखा वो, इसकी हाइट ऑलमोस्ट, इसकी हाइट 6 फीट है, 6 फीट की इसकी हाइट है, उसका एक फ्लोर नीचे भी लगेगा, वो आपको टोटली वो करके वो आपको 12,000 के एमआरपी में, उसमें आपको डिस्काउंट आएगा 30%। ओके ओके, तो आपका अमाउंट अच्छा खासा कम हो जाएगा, ठीक है। और देखो ऑलमोस्ट फीडिंग बाउल भी है, फीडिंग बाउल से बताइए, हाँ ये जो बताइए निकाल के, ये स्मॉल साइज से स्टार्ट है अपने पास फीडिंग, हाँ हाँ स्मॉल साइज से स्टार्ट है, एंड उसके जो भी अदर्स बड़े, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, सब ऑल साइज अवेलेबल मिल जाएगा अपने पास। कितने का आ जाएगा बड़ा वाला? ये सबसे छोटा वाला जो है 225 ml का है, okay. जो कि आपको जिसकी एमआरपी है 130 रुपीज, ये आपको डिस्काउंट करके 100 रुपीज मॉल लिया आ जाएगा, okay. जो कि अच्छे स्टील का यूज करा हुआ है, जिसके अंदर अपना वॉर्म्स वगैरह नहीं बैठे, जम्प्स नहीं बैठे जिसके अंदर, ओके। और ये बड़ा वाला, ये बड़े वाला 450 ml का है, इसकी एमआरपी है 170 रुपीज, जो कि आपको डिस्काउंट करके आ जाएगा, इसमें पानी भी रह सकते, हाँ इस पर पानी खाना दोनों रह सकते हो, ओके। और सबसे बड़ा वाला, सबसे बड़ा वाला ये है, जो कि बिग डॉग्स के लिए यूज करा जाता है, डॉग्स के लिए, हाँ बिग डॉग्स के लिए, मोस्टली कैट्स के लिए तब यूज करा जाता है जब एक से ज्यादा कैट्स हो, ओके। ये बाउल है जिसकी वो 1400 ml इसकी वो है कैपेसिटी है, और इसका प्राइस है 350 रुपीज, 350 रुपीज पे डिस्काउंट आगे आपको मिलेगा 20% डिस्काउंट बाउल, ओके ओके। इसलिए जो बाउल है वो इस वजह से यूज किया जाना चाहिए, कैट्स और डॉग्स को आदत रहती है खाते खाते बॉल्स आगे करने की, तो उसके साइड में नीचे रबड़ भी दिया हुआ, तो एक वो परफेक्ट लोकेशन पे सेट हो जाता है, तो वो लोग आगे पीछे बाउल को कर नहीं पाते। अवेलेबल है जो कि एलिजाबेथ कॉलर,
बहुत कम मिल पाता है जगह पे लोकेशन पे। ये यूज होता है कैट की ग्रूमिंग के लिए, नेल कटिंग के लिए, या तो कभी कैट ज्यादा एग्रेसिव हो रही तो उस रीजन की वजह से यूज होता है। ये सबसे छोटा साइज है, इसके अंदर बटन दिए हुए, ये उसके नेक पे पहनाया जाता है। मैं आपको पहना के दिखाया था एक किटन को मेरे किटन को, जब कैट के ये पहनाओगे इस तरीके से इसको पहनाया। इनकी जब ग्रूमिंग करते हैं तो ग्रूमिंग के टाइम पे एक्चुअली बहुत सारी कैट्स का क्या होता है ग्रूमिंग के टाइम पे ना, हाँ जब पानी देखती है या तो ट्रिमर वगैरह कुछ ऐसा देखती है तो बाइट करना चालू करती है और एग्रेसिव हो जाती है बहुत ज्यादा। एक मिनट फोटो ले लूँ। हाँ कितने की आई है ये? इसके अंदर साइज के ऊपर डिपेंड करता है, ये एक नंबर साइज है, सबसे छोटा साइज। इसकी MRP है 2। They don't find it difficult to breathe, इतना नहीं, सब परफेक्ट रहेगा। इसके अंदर नेक वगैरह का यहाँ पे इतना ज्यादा हार्म नहीं दिया, आप देख सकते हो मेरी फिंगर इजीली इसमें जाके आ रही है। okay. लेकिन ये उतार नहीं पाएगा अपने फेस से जब तक अपने लोग इसके लॉक्स नहीं खोल ले। okay. और इसमें सर वो भी दिया हुआ है, रिबिन भी दिया हुआ है, आप ये रिबिन भी इसमें लॉक कर सकते हैं एक्स्ट्रा उसके लिए सर अपने फिर सेफ्टी के लिए, क्योंकि बिकॉज जब एग्रेसिव रहती है तो आप उसको हैंडल नहीं कर सकते। लेकिन आप जब ये डालोगे उसका चांस ही नहीं उसका माउथ खोलने का और आपको काटने का। सही है, तो इजीली उसमें घूमेगी, आप देख सकते हो उसको छोड़ेंगे तो ये घूम भी सकती है उसके अंदर। जब मेडिसिन अप्लाई करी जाएगी बॉडी के ऊपर, बहुत सारी मेडिसिन आती है जो लीक नहीं कर सकती है कैट, तो वो टाइम पे आप ये लगा सकते हो तो लीक नहीं करेगी बैक साइड में घूम के। डॉग्स के मजल भी अवेलेबल है अपने पास, बताइए muzzleless for them not to open their mouth। जब आप वॉकिंग के लिए डॉग को लेके निकलोगे बाहर तो उस टाइम पे बहुत मेन इसका स्पेशल कैरेक्टर होता है, बिकॉज डॉग्स का कैसा रहता है, डॉग्स अगर कुछ भी स्मेलिंग करने में अगर कुछ वो खा लेता है जैसे प्लास्टिक वगैरह तो उसको गैस्ट्रो होने के बहुत चांसेस रहते हैं। तो उससे सेफ्टी के लिए आप जब भी वॉकिंग पे जो अपने डॉग को मजल रखो, बिकॉज वो डॉग है वो उसकी हैबिट होती है स्मेलिंग करते चलने की, तो पॉसिबल क्या होता है स्मेलिंग करने में जो लिटिल लिटिल जो पार्ट्स होते हैं प्लास्टिक वगैरह के उनके पेट में चले जाते हैं, तो उसके वजह से उनको बहुत ज्यादा आम होता है। ये इनके डॉग्स के लॉक्स है जो अपने एवरी वन नंबर से लेके, ये बहुत छोटा है, छोटे से पपीज के लिए आता है, स्मॉल ब्रीड के लिए अगर देखा जाए तो चिहुआ के लिए ये अलग ब्रीड के लिए ये यूज करा जाता है क्योंकि वो बहुत स्मॉल है, चिहुआ का टाइनी ब्रीड सबसे छोटी ब्रीड। ये 150 की इसकी MRP है, डिस्काउंट करके 125 रुपीज का आएगा। और ये वाला बड़ा ना, ये इसके अंदर साइज है जैसे लैब के लिए अगर देखा जाए तो आपको ये साइज का लगेगा एडल्ट लैब के लिए, जिसका साइज है 6 नंबर, इसकी MRP है 385 रुपीस। 6 नंबर साइज फॉर द एडल्ट, फॉर एन एडल्ट लैब, परफेक्ट एडल्ट लैब। ओके, एंड रॉटविलर, ओके, परफेक्ट फॉर लैब एंड। आप इसका साइज देखते हो तो अच्छा खासा है। बहुत से टाइम ऐसा होता है कि गोट्स के लिए भी यूज कराया जाता है, क्योंकि बहुत सारे गोट्स उनकी आदत होती है जुगाली करने की, तो कपड़ा वगैरह क्लॉथ्स वगैरह खाना चालू कर देते हैं। अच्छा, बहुत सारे हमारे कस्टमर ये मांस मसल यूज करे सिंग पे लगाने का, क्योंकि वो भी लाल दी बैक साइड पे दिया हुआ भाई। नहीं, आपने बकरों के लिए भी एक्सेसरी रखे हो क्या? नहीं, बकरों के लिए अभी फिलहाल मैंने बेल्ट थे, लेकिन अभी फिलहाल आउट ऑफ स्टॉक है, उसमें हैवी साइज के मैंने बेल्ट रखा और अपना जो चेन्स वगैरह आती है मेटल की एंड ब्रास की, वो चेन भी अपने पास मिल जाएगी बकरों की, जो कि वो तोड़ नहीं पाएंगे। ठीक है, हैवी वेट के लिए। एनी सॉर्ट ऑफ पेट एक्सेसरी इफ एनीबॉडी वांट्स, सॉक्स अवेलेबल है अपने पास, क्लॉथ्स अवेलेबल, कैट्स के सॉक्स एंड डॉग्स के सॉक्स। हां, सॉक्स भी आते हैं इनके, बताइए। सॉक्स आते हैं, टाइनी सॉक्स, आप देख सकते हो इतना छोटा, इतना छोटा वो तो निकल जाएगा, उसमें नाखून निकालेगी तो जैसे आप पहनाओगे तो नहीं निकलेगा। अच्छा, ये परफेक्ट, यानी एज इट इज साइज पाउच का साइज का बनाया जाता है, ये आप पहना सकते हो 2 मंथ्स के अंदर किटन्स को। ओके, 2 मंथ्स के भात नहीं पिला सकते, उसमें साइज आएगा आपको। ये सबसे छोटा साइज है, जो कि 4 पीस आएंगे आपको एक इसके अंदर। इसके डाउन साइड पे इसने सिलिकॉन दिया हुआ है ताकि वो जो नीचे से खराब नहीं हो। ओके, ये आप पिला सकते हो अपने छोटे से पाउच, ये मेरी फिंगर है, ये आप देख सकते हो उसका साइज क्या है। ओके, ये पाउच का, ये आपको 150 रुपीज के 4 पीस आएंगे। ओके, पाउच के इसके अंदर 150 150 के 4 पीस आएंगे, इसमें और साइज मिल जाएंगे, एक बिल्ली के लिए, एक बिल्ली। और हमारे पास कस्टमाइज करके भी मिला जाता है, जैसे कि अभी ये कॉलर है कैट का एंड डॉग्स का, ये आपको मैं बता देता हूँ, ये इनके सामने का कॉलर है, ये कॉलर है इनका, जैसे बेल्ट के साथ दिया गया है। इसके अंदर हम लोग कस्टमाइज करके देते हैं डायमंड से नेम। ओके, आपको जो भी आपके पेट का नेम है, जो भी कांटेक्ट नंबर है, वो आपको इसके ऊपर हम लोग टाइप करवा के दे सकते हैं, नहीं लगवा के दे सकते हैं डायमंड, कस्टमाइज हो जाएगा, जो कस्टमाइज आपका आ जाएगा, आपका डिपेंड करता है जितने वर्ड्स आप उसमें लिखा हो। कितने दिन में मिलेगा आपको? तो जो आप एक दिन पहले ऑर्डर आपको देना पड़ेगा, 24 आवर्स के अंदर आपको मिल जाएगा। ठीक है, ज्यादा से
फिर भी कितने होने ना, एवरेज 4-5 वर्ड का कितना हो जाएगा? एक्चुअली कैसे है, अगर आप सिर्फ फॉर एग्जांपल रॉकी लिखा, सिर्फ नाम ही लिखेंगे ना, ROCKY 5 वर्ड्स का अगर आप नाम लिखाते हो स्मॉल वर्ड्स के अंदर, तो वो उसके ऐसे एक्चुअली डायमंड साइज है, मैं आपको जैसा आपको बता दूंगा मैं क्या कैसे साइज आएंगे, वो साइज के ऊपर डिपेंड करता है। रॉकी अगर आप उसके अंदर आप डलवाते हो तो आपका चार्जेस जाएगा एवरेज चार्जेस 80 रुपीज डायमंड चार्जेस, लेकिन वो बहुत ही ग्लॉसी लगेगा दिखने में रॉकी, क्योंकि डायमंड का साइज है, जो डायमंड कपड़ा वगैरह सब चेंज हो सकता है, आप जैसा क्लॉथ बोलोगे वैसे क्लॉथ आपको मिलेगा, लेदर में भी मिल सकते हैं ये क्लॉथ एंड बेल्ट भी लेदर में मिल सकते हैं आपको। ओके, बहुत सारी चीजें ऐसी है जो हम कस्टमाइज करते हैं अपने पर्सनली, जिनकी मैन्युफैक्चरिंग हमारी खुद की है, तो हम आपको प्रोवाइड करवा सकते हैं। ठीक है, चलिए, जिस किसी को भी लेना है जो भी पेट एक्सेसरी, जस्ट गेट इन टच विद हिम, इट्स अ वेरी लॉन्ग वीडियो नाउ, वी ऑलरेडी क्रॉस 35 मिनट्स, व्हाट इज योर नंबर? 9871917870 ठीक है, एंड योर नंबर? 9819947096 वी आर इन जोगेश्वरी ईस्ट, चलिए, थैंक यू सो मच।